लाओ मुझे दो ना। हेलो नवाज शरीफ साहब, तुमने महंगाई बहुत करी है, जगह जगह कैंप से लगा दिए, भिखारी बन गए। और मैं कहता हूँ खुदा को हाजिर नाजिर जान के, मैं खुद भिखारी हूँ। पाकिस्तान की टीम खेलने गई हुई है दुबई एशिया कप, हर लड़का है अनफिट, तो आए मासूम से बच्चे से पूछते हैं कि पाकिस्तान की टीम एशिया कप जीत के आएगी वापस। ये मेरा लंड नहीं जीते थे मेरे भाई, मैं जानता हूँ। तो हमारी टीम में एक चेंजेस होना चाहिए, खुशदिल शाह की जगह जो है वो आना चाहिए हैदर अली को, और हारिस रऊफ जो है अभी थोड़ा इंजर्ड हुआ है, उससे बॉलिंग सही नहीं हो रही, उसकी जगह आना चाहिए मोहम्मद हसनैन को। आज है मेरे ख्याल जुमेरात का दिन, अच्छा कल जुम्मा और परसा हफ्ता इतवार को आ जाएंगी वो खाने के लिए हमारे घर में। अच्छा मेरी बेटी, अच्छा मुस्कान, मुनीर, शहबाज, यारों कोड में रहता हूँ कनीस फातमा में। ये देंगे भाई, इनको मालूम है मैच के बारे में। सर हम लेने नहीं आए किसी की, अच्छा हम आए बात करें। ठीक है, नसीम शाह को शुएब अख्तर ने कहा है कि नसीम शाह की जो डिग्गी है वो बड़ी है और टांगे छोटी हैं, सुना होगा तुमने। शुएब अख्तर के कौन से छोटे कूले थे, शुएब अख्तर भी बड़े भारी भारी लेके घूम रहे थे, जब भागते थे तो हिलते हुए जा रहे होते थे अप एंड डाउन। नहीं तो आग लगा तो छोटे हो जाएगा सर, नहीं तो उसकी खाल की बोटी लिया पीछे की। मोहम्मद आमिर की जगह बनती है इसमें भाई, कम बैक करो मोहम्मद आमिर को। हमारे जो पाकिस्तानी लड़के हैं वो जवानी में ही सारे अनफिट हो गए। शाइन इंजर्ड हुआ तो शाइन की जगह में जो ना नसीम इंजर्ड हुआ, अभी हसन अली को लेने चाहिए। शाइन ने मुझे नहीं बताया था, नहीं बताया था। शाइन से कॉन्टेक्ट है आपका? हाँ हाँ बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा बाकी में दोस्ती है? हाँ हाँ। हसन अली तो आ गया है वापस, तो हसन अली आएगा टीम काफी और भी मजबूत हो। कह रहे हैं दुबई में लाइट भी जा रही है तो जनरेटर भी चला लेगा। जी बिल्कुल चलाएगा। यूबीएल क्लब में आप और शाहीन साथ खेलते? नहीं नहीं, शाहीन और मैं साथ नहीं खेलते थे, वो मुझे देखने आया था। यूबीएल क्लब में मैं खेलता हूँ। सबसे बड़ी बात रिजवान भी अनफिट हो रहा है, देखा भाई अब क्या करिए, हमारे नसीब में पता नहीं इंडिया वाले ने कोई मंत्र मंत्र चुप करके भाई हमारे लड़के को सारा खराब कर दिया भाई। अच्छा यंग लड़का सही है, लड़के खेलेंगे तो जीत जाएंगे। लड़कियों को छोड़ो ना, तुम्हारे यंग पाकिस्तान मैच उधर ही से शुरू होता है, वो तालियां बजाएंगी, आई लव यू बोलेंगे, हम लोग जीत जाएंगे। एक अनफिट हो जाएगा समझ भी आता है, सारे हो रहे हैं, सारे हो रहे हैं, इनका कोच भी अनफिट हो गया, सकलेन मुश्ताक वो भी अनफिट हो रहा है, उनकी भी खबरें आई है। कोच भी अनफिट हो गया तो कोई तो चक्कर है बाबू भैया, लड़की का चक्कर लग रहा है मुझे तो। भाई देखो कौन में वो रात को 100 करोड़ बहा देते। 100 करोड़ क्या भाई, अपनी हत्ती अपना तू। और इंडिया पाकिस्तान क्या है यार, फ्रेंडशिप भी, फ्रेंडशिप मेन चीज है। जाहिर सी बात है फिर व्यूज कहाँ से आएंगे। और अगर उस दिन नसीम शाह अच्छी बॉलिंग नहीं करता तो फिर ये तो मैच तो 12-15 ओवर में उन्होंने खत्म कर देना था। तो मेरे ख्याल से शुएब मलिक की तलाक भी हो जाती और सानिया मिर्जा वापस चले जाती। हाँ ये भी हो सकता है। माँ समझाए बैठ गए लोग, आई समझाती लेट गए 100 करोड़ आए और क्या। अब हर बार फाइट तो चलती नहीं रहेगी ना मेरे दोस्त। हाँ। अगला आपके खुद पड़ोसी आपके आकर कंधे पे हाथ रख रहा है, अनफिट हो आपसे आकर हाथ मिला रहे हैं। शाहीन से पूछा था कोहली ने, हाँ के कैसे हो, शाहीन ने कहा था मैं एक टांग मेरी नकली है, मैं हॉकी का प्लेयर हूँ। आगे झटका दबा दो खटका। शाहीन शाह तो होगी अनफिट, साथ में जो नसीम शाह है जिसने अच्छी बॉलिंग करी है उस पर भी कह रहे हैं काला जादू हो रहा है। भाईजान हर जगह ये जादू जादू की टोनियाँ चल रही है, क्या करे, सारे लड़कों को मतलब अनफिट करा दिया भाई। हाँ। क्या करे मैं आ गया। जाओ एक और बात, चूतड़ों को बल दो सीधे चल दो। क्या बोले यार, गली मोहल्ले के लड़के नहीं होते, कसम खुदा के वो भी अच्छे उन लोगों से। हाँ। अटेंशन खत्म नहीं होते भाई जान, उनको फैशन देखो, उन लोगों का कटिंग हेयर स्टाइल देखो, कभी कौन से गाड़ी में कभी कौन से बाइक में। क्या लग रहा है औरत का चक्कर है इसका, तो कन्फर्म मेरे को नहीं पता। हर मर्द क्यों अनफिट हो रहा है, बस ये भी देखें बस क्या मसला है। कोई लड़की है क्या अपने पाकिस्तानी टीम के बोर्ड में? नहीं है। भीख मांगना? हाँ। कैसा काम है? किसी के पास जाओ, ये जो बोलते हैं माफ करो। हाँ। अभी माफ करने आए लोग, मैं क्या करूँ। हाँ। इसमें गाली आती है। फिर क्यों हो रहा है ये? ये तो कंफर्म उनको ही पता होगा कि पता नहीं क्या मसला है इनके साथ। क्या है ये, क्यों हो रहा है जब लड़की भी नहीं है, क्यों हो रहा है? दिन के कितने पैसे कमा लेते हैं? ये कोई नहीं बताएगा, ये बरकत के पैसे, बरकत खत्म होती है। अच्छा हाँ फिर भी अच्छा हो जाता है। हम जितना खाते हैं उतना अमीर आदमी नहीं अपता होगा, मुकता होगा। अच्छा अकेले खा के ना चिकन से टट्टी आती है, बाथरूम फैशल। एक बात और है, जब से ये मनुष्य गवर्नमेंट आई है ना, क्रिकेट टीम में बहुत असर पड़ा है। माफ करने वालों को क्या मैसेज देना चाहते हो आप? ये माफ करने वाले अपनी माँ बहन ना
अमीर आदमी को हम बिठा के खिला देंगे। मैं ये कहूँगा अगर फखर जमान मतलब जो खेल रहा है ना वन डाउन पे खेल रहा है, अगर उसको खिलाना है तो ओपनिंग पे खिलाए, वरना जो है ना मतलब वन डाउन पे उसका कोई जगह नहीं बनता है, वरना नहीं खिलाओ उसको। जी भाई मैंने तो कह दिया कुछ ना कुछ तो है, या तो दाल में काला है तो पूरी दाल काली है भाई। भाई वो यहाँ पे एक यहाँ पे एक लंगड़ा था, वो भीख मांग रहा था थोड़ी देर पहले, कौन था वो? नहीं तो था। और अब आप चलने लग गए? हाँ। कैसे हुआ ये? मतलब मोहब्बत के चक्कर में, प्यार के। अभी अभी शिफा आई है। शिफा? शिफा तो हम करते, ये लो तुम्हारी शादी हो जाएगी। अच्छा हाँ। चलो भाई।